आज से ठीक 10 साल पहले जब इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इंडिया में, तब एक एवरेज बच्चा जो कि कॉलेज पास आउट होता था, तो उसके मन में बस एक ही ख्याल रहता था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए और मेरे घर वाले खुश हो जाए, जो आज भी कुछ हद तक देखने को ही मिल रहा है। उस ज़माने में हमारे पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम अपना पैशन, अपना कुछ इंटरेस्ट दुनिया के सामने जाहिर कर सकें, जो कि आज हमें मिला है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ज़रिए हम अपना इंटरेस्ट दुनिया को दिखा सकते हैं, हमें किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। पर उस ज़माने के लोगों को यह सब अपॉर्चुनिटी मिला नहीं था, इसके वजह से उनका माइंड बस एक जॉब पे ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता था। पर अगर आज के ज़माने में आप हो और सिर्फ जॉब पे ध्यान दे के बाकी सारे अपने पैशंस को मर्डर करते हो, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। यूट्यूब ने आपको बहुत एक बड़ी प्लेटफॉर्म दिया है, अगर आप चाहो तो उसे सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जॉब करने के साथ साथ अपने सारे दूसरे पैशंस भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मेरा भी एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं यूट्यूब में व्लॉग्स बनाऊँ, जो कि अभी तक सही तरह से स्टार्ट नहीं हो पाया है, पर मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा हूँ और प्लान बनाया हूँ कि अगले मंथ से मैं फुल फॉर्म में यूट्यूब के व्लॉग्स स्टार्ट कर दूँगा। उसके लिए जितने सारे मुझे गैजेट्स वगैरह चाहिए सब मैंने खरीद रखा है, जो कि थोड़ी देर बाद में आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो मेरा आप सबको बस यही सजेशन रहेगा कि आपको बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको खोना मत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे जो अपने सपनों को दबा के आगे बढ़ जाते हैं और दुनिया छोड़ने के टाइम पे उनको एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा कि काश मैंने ये किया होता। तो उस नौबत को आने ना दो और जो भी अपने सारे सपने हैं वो पूरा करने के लिए शुरू कर दो काम। मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी उसमें कवर होगा, फूड ब्लॉग्स भी उसमें कवर होगा, जो कि अगले मंथ के अप्रैल 5 से मेरा स्टार्ट होने वाला है। तब मैं घर जाने वाला हूँ, तो मेरा फर्स्ट जो ब्लॉग रहेगा तो वो रहेगा पुणे टू रौरकेला वाया ट्रेन। सो मैं ट्रेन ट्रैवल ब्लॉग बनाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से। उसके बाद 1 by 1 आई विल कवर एवरीथिंग। फिर एक रिटर्न का बनेगा रौरकेला टू पुणे, और उसके दरमियान मेरे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं अपने गांव जाने वाला हूं, तो मैं अपने गांव को भी एक्सप्लोर करूंगा इन द मीन टाइम। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और रही बात ब्लॉगिंग की, सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना होगा कि आपको अपने मन से डर निकालना होगा। लोगों के बीच में आपको अगर बात करना है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको लाना पड़ेगा, जो अभी तक मेरे में नहीं आया ठीक से, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बंदे इसी चक्कर में यूट्यूब चैनल बना तो लेते हैं लेकिन देखते हैं कि उनसे हो नहीं पा रहा है तो वो चैनल बंद कर देते हैं। मेरे दोस्त, चैनल बंद मत करो। मेरा ये चैनल 1 साल पुराना है, मैं पहले से फनी वीडियोज़ बनाते आ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं फ़नी वीडियोज़ के साथ साथ सोच रहा हूँ कि ब्लॉग्स भी बनाऊँ, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है बनाने में। तो मेरे वाले जो ब्लॉग्स रहेंगे वो नॉर्मल दूसरों के जैसे ब्लॉग्स नहीं रहने वाले हैं, उसमें मैं अपना फ़नी कंटेंट भी डालने वाला हूँ और इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, जो मैं जहाँ भी घूमने जाऊँगा तो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा एक फ़नी तरीके से, जो कि आपको बोर नहीं लगेगा, आप इंटरटेन भी होंगे साथ साथ और इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और तब तक बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मैं अपना नाम बताना भूल गया, जो लोग मुझे आज नया जुड़े हो, मेरा नाम सिद्धिनाथ दास है, मैं पुणे में रहता हूँ और मेरा घर एक्चुअली उड़ीसा है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ पुणे में। मेरे यूट्यूब का जो जर्नी है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। और मेरे चैनल पर बस 250 सब्सक्राइबर्स हैं, आई होप मैं बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करूँगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं आपको मेरे सारे गैजेट्स दिखाता हूँ जो मैंने
ब्लॉगिंग के लिए स्पेशली खरीदा हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ मच गैजेट्स आई हैव परचेस्ड इन लास्ट 2.5 months फॉर माय ब्लॉगिंग पर्पस. सो हियर इज द ड्रोन व्हिच आई हैव ऑलरेडी शोन यू एंड आफ्टर दैट दिस DSLR camera. It's not DSLR, it's SLR only, and it is having 83x optical zoom, so from Earth itself you can zoom till the moon, and all the holes in the zoom moon also you can be able to check from this gadget. So this is the second one, and the third one, I think you might have seen this one, newly launched DJI Osmo Pocket. It's very tiny. You can see how much it is having size. It's not even 70% of my palm, and it's very much good device for video recording purpose. See how it is working. It's having inbuilt gimbal itself. You don't need to get any stabilizer for this. So it is how works. It's very nice, and it's 1 month back only I purchased, so I'm gonna use it for my vlogging. And before this, for stabilization I purchased one only gimbal, and this is that. So what you have to do is you have to put your mobile in this holder, and the same thing which this Osmo Pocket is going to do, this tiny little thing is going to do the same thing this bulky gimbal is supposed to do. But now when I purchase this little one, I don't need this bigger one, and I will keep it here only, no use of right now. So apart from this, I have some mics and all, and this is another one. It is a 4K action camera, and especially it is used to mount on your helmet, and while riding bikes and all, it will be very useful to capture all those videos. But right now I'm not able to use this one. I kept as it is after purchasing it. So let's see, if I'm getting any chance in future, then definitely I'm gonna use it. And the mobile device which I'm using is Huawei Mate 20 Pro, and it is a very good mobile camera. So maximum videos I will be capturing from my mobile only, especially the face cams. So let's see how it works. And finally, this is the love of my life, my laptop. So it's a gaming laptop, because I'm recording all my devices in almost in 4K so resolution. So for that you need a good laptop to handle those videos while editing. And as I use Adobe Premiere Pro, and for that you need a good laptop, and that is why I purchased this laptop. It's Acer Nitro 5. It's a very good gaming laptop. Also you can see how you can handle this cooler speeds and all from here itself. If you want to max the speed of the cooler, then you can hit this button. See the sound of the cooler exhausters right now. So while you are playing heavy games and all at that time, this cooler will adjust accordingly, and it will be high low depending on the game which you are playing. If you are playing a high graphics game, then definitely the cooler speed will be increasing automatically. And for normal uses and all, I'm just keeping it in auto, so it should decide, the system should decide what would be the cooler speed accordingly. And this is a Nitro 5 which is having 4GB graphics card, which helps all those heavy video games. While playing those video games, this graphic card definitely helps. Also Adobe Premiere Pro, which I'm using to edit my videos. So
this runs very smoothly and it's coming in budget only. It's not that higher in price, as in Flipkart the offer was on at that time 2 months back, so I purchased in 49,000 only, or else right now the price again rise to 54,000 in Flipkart, and it's still available. If you want, you can go for it. It's definitely a good thing, a good gadget, and it's having 128 GB SSD. Along with this SSD, you can get 1 TB HDD. So at this moment, both SSD and HDD is there in my laptop. SSD, I have all the C drive I have installed in SSD, because it helps to run the system very fast. So that's the reason I'm using the SSD, and for HDD I'm just keeping all my data in that drive. And my whole room is like this only. You will find all gadgets everywhere. So that is it.